भैया ये जो ये वाला कितने का पड़ेगा, ये जो क्या तेंदुआ है ना, यो कितने का पड़ेगा ये? हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो लगभग सुबह के 8:15 बज चुके हैं और बाइक अपनी रेडी है। आज हमें चलना है रामनगर और एक बैग लेना है, ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। कोहरा जो है इस समय अभी डटा हुआ है, इस वजह से लेट हो गए। सारा जो कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। तो यार आधा घंटा हो चुका है घर से चले हुए और यह हम जो रामगंगा नदी पर पहुंच चुके हैं, आप यहाँ देख रहे हैं पीछे का व्यू जो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पर फोग बहुत है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सामने। थोड़ा जो रोड पर तो कुछ क्लियर है क्योंकि बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह लगातार ऊपर चल रही है, तो उससे कुछ कोहरा हट गया है, लेकिन साइडों का व्यू जो कुछ क्लियर नहीं है। और अगर ऐसे ही फोग रहा तो जो टाइम बहुत लगने वाला है हमें जो रामनगर पहुँचते पहुँचते। ये नीचे नदी है, ये भी जो दिखाई नहीं पड़ रही है, व्यू जो मस्त नहीं आ रहा। और लगभग 9:15 बज चुके हैं इस समय। जो ये जो यानी कि लगभग आधा घंटा हो चुका है घर से चले हुए और हमने जो है यहाँ पे अभी मुश्किल से 10-11 किलोमीटर हम जो लोग चल के आए हैं। कोहरे की वजह से बहुत स्लो चलना पड़ रहा। यहाँ तो कुछ अब लग रहा हल्का होगा कोहरा। तो हम जो मुरादाबाद मेन रोड से निकल के ये बाईपास है जो हमें लगभग भोजपुर के आसपास पहुँचाएगा, हम इस पर आए हुए हैं। जो ये कोठीवाल डेंटल कॉलेज है वहाँ से जो निकला है, ये जो मुरादाबाद से हरिद्वार रोड है काट वाला, वहाँ से कटता है बाईपास। यार हेलमेट का शीशा लगाने पर दिखाई नहीं पड़ रहा और बिना शीशे के डिस्टरबेंस बहुत है। ये देखिए यहाँ जो तमाम ये गांव है, यहाँ पर तो जो और घना हो चुका। अभी लगभग जो 10 बज चुके हैं और जो हल्का हल्का कोहरा छटा है, कुछ रोशनी सी हो गई है। सर्दी के मारे हालत खराब हो चुकी है, जैकेट भी जो गीली गीली सी हो गई है, ऊपर से कोहरे की वजह से कोहरा टपक रहा है। ये यहाँ पर बोतल रखी हुई है, समझो अगर यहाँ पर बोतल रखी है तो इसका सिग्नल ये है कि जो यहाँ पर पेट्रोल मिलेगा। अगर आपको जो है रोड किनारे जो बोतलें दिखती हैं तो पेट्रोल देखती है, जो तो लग रहा है कि देर में धूप निकलेगी। पता नहीं कोई गांव है, ये कौन सा गांव है, अभी जो धूप छाओगा तेल चल जा। और ये जो हल्की हल्की धूप निकल रही है, यहाँ से ठाकुरवाड़ा 9 किलोमीटर है। और जो सूर्य नारायण निकल चुके हैं, वो घट गया तो सामने का दिखाई पड़ रहा, वरना अब तो रोड पे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। अभी जो क्लियरिटी तो हो गई है, जैसे जैसे धूप निकलेगी थोड़ी जो कड़की भी आ जाएगी, सर्दी कम हो जाएगी। कई दिन से जो मौसम सही हो रहा था तो आज जो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने देर तक कोहरा रहेगा, लेकिन फिर भी 10 बजे अभी कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। ये कुर्सी वाले भाई साहब मोटरसाइकिल पर कुर्सियों की दुकान लगा रखी है। और ये हम जो ठाकुर द्वारा पहुंच चुके हैं, ये जसपुर जिम कॉर्बेट पार्क और जी काशीपुर, ये बोर्ड लगा हुआ 12 किलोमीटर है काशीपुर यहाँ से, तो हमें इधर को ही चलना सीधे। इसे आगे निकलने में फ़ायदा बनना तो ये धूल में पाट देंगे। ये तो कहीं भी चलेंगे, ना कोई रोकने वाला नहीं है।
तो बड़ा सा खड्डा आ गया भाई। रोड तो लगभग ठीक ठाक सा ही है, सारा रोड ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ठाकुर द्वारा से निकलते ही जो फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जो काशीपुर का जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो शुरू हो जाता नैनीताल 94 किलोमीटर। तो यहाँ से शायद हम उत्तराखंड में जो प्रवेश कर चुके हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में थे। बहुत सारे ब्रेकर हैं, यहाँ पे जो बहुत सारी दुकानें हैं, ये जरूरत का मटेरियल, मूढ़े कुर्सी वगैरह। भैया ये जो ये वाला कितने का पड़ेगा, ये जो क्या तेंदुआ है ना, यू कितने का पड़ेगा ये? 1850 रुपये का। इसमें कुछ छोटा साइज भी है? अच्छा चलो वापसी में देखेंगे, अभी जरा हमें आगे जाना है, उसके एक जरूर हाँ कुछ गुंजाइश हो जाएगी। चलो चलो अच्छी बात है, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो जो दुकानदार है उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं 1850 रुपये, लेकिन बोले जो आप लेओगे तो कुछ ना कुछ छूट कर देंगे। तो रोड पर बैठे हैं ये दुकान लगाए, और जो है काशीपुर से बाहर हम लगभग आ चुके हैं। जिम कॉर्बेट धनगढ़ी गेट 43 रामनगर 25 किलोमीटर, ये बोर्ड भी है।